वहीं राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। माया नरोलिया ने नामांकन का पर्चा भरा तो डॉक्टर एल मुरुगन ने भी नामांकन दाखिल किया। बंसीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज ने भी नामांकन पर्चा भरा है। सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान साथ में मौजूद रहे। वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज भी इस मौके पर मौजूद रहे। चार प्रत्याशियों ने नामांकन अभी दाखिल किया है। ऐसे मध्य प्रदेश के चार प्रमुख लोगों को आज राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। मैं सभी चारों के चारों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कि पांच में से चार मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का हम हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। नामांकन फॉर्म दाखिल किए, मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है और उसकी उज्जवल परंपरा है। अलग अलग क्षेत्र की चारों अपनी विभूतियां जिनने अपना अपना योगदान दिया है और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। एक बार फिर मैं चारों प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ। तो आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, वो कहते नजर आए कि जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए काम किया है उसी तरीके से वो समाज की बात और साथ ही पार्टी के पक्ष को रखने का काम राज्यसभा में करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीलम सीधा जुड़ गई हैं राजधानी भोपाल से। नीलम, क्या अशोक सिंह ने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है? देखिए, राज्यसभा से कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अशोक सिंह, अभी थोड़ी देर बाद जो है कांग्रेस दफ्तर से रवाना होकर के विधानसभा पहुंचेंगे। नामांकन फॉर्म की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं अशोक सिंह इस समय जो है वो भर रहे हैं। वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद है ताकि फॉर्म में किसी भी तरह की जो है कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो और आसानी से जो है वो अपना फॉर्म भर पाए, इसके जो है पूरा एहतियात रखी जा रही है। माना जा रहा है कि अभी करीब 5 से 10 मिनट बाद वो अपना नामांकन फॉर्म लेकर के जो है विधानसभा के लिए रवाना होंगे, जहां पर निर्वाचन अधिकारी के सामने वो अपना फॉर्म जो है दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने अपनी एक ही सीट पर जो है प्रत्याशी को उतारा है और अगर हम बात करें अशोक सिंह की तो कांग्रेस के काफी बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते रहे हैं और पार्टी ने इस बार उन पर इसलिए भरोसा भी जताया है क्योंकि अशोक सिंह जो है वो यादव समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश में जो सीएम है वो भी यादव समाज के हैं। और वोटर्स की हम बात करें तो सबसे बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में ओबीसी माना जाता है। इसके साथ ही साथ यादव वर्ग की भी जो है एक बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में रहती है। और ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो अशोक सिंह का कद ग्वालियर चंबल में काफी बड़ा है। ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे चेहरों को टक्कर देने के लिए जो है कांग्रेस ने अशोक सिंह पर राज्यसभा चुनाव के जरिए एक बड़ा दाव खेला है। माना जा रहा है कि निर्विरोध जो है कांग्रेस ये सीट निकाल लेगी और किसी भी तरह की जो है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की फिलहाल संभावना नहीं सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि जब 27 फरवरी को वोटिंग होगी तो किस तरह के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में अगर हम राज्यसभा के गणित की इस वक्त बात करें तो 5 सीटें खाली हो रही है जिनमें 4 बीजेपी की और 1 कांग्रेस की थी और दोनों ही पार्टियों ने जो है इन सीटों के हिसाब से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के चारों ही प्रत्याशियों ने जो है फॉर्म भर दिया। हमने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़े जो नेता हैं वो मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और बड़े पदाधिकारी जो है नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे थे। तो क्या अब नीलम अशोक सिंह जाएंगे जब पर्चा दाखिल करने तो उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नजर आएंगे? क्या पूर्व सीएम कमलनाथ भी भोपाल में ही है? जी देखिए, पूर्व सीएम तो नहीं है इस वक्त मौजूद, पर पीसी सचिव जीतू पटवारी, इसके अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और इसके साथ ही साथ संगठन के जो दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे जब वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचेंगे। पीसी सचिव जीतू पटवारी थोड़ी देर में जो है कांग्रेस कार्यालय पहुँचेंगे और जिसके बाद सभी जो है विधानसभा के लिए रवाना होंगे। जी अनिलम, अमूमन हम देखते हैं कि अगर कुछ वोटों का अंतर पड़ता तो जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार पांचवी उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया जाता, लेकिन क्या ऐसा कैलकुलेशन बैठा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पांचवी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया और एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की लगभग लगभग तय मानी जा रही है? जी
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम वोट गणित की बात करते हैं तो बीजेपी के पास इस वक्त 163 विधायक है, और जो राज्यसभा का जो फॉर्मूला होता है कि कुल विधायकों की संख्या इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो सीट की संख्या होती है, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए तो करीब 38 वोटों की जरूरत एक सीट के लिए है। ऐसे में अगर विधानसभा राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती तो उसे जो है अतिरिक्त करीब 27 वोटों की और जरूरत पड़ती 163 के अलावा। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ विधायकों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा था कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है 5वीं सीट पर उतार करके पांचों राज्यसभा सीट को अपने कब्जे में लेना चाहती ताकि इसका फायदा जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में मिले। पर बीजेपी ने यहां पर जो है किसी भी तरह के टकराव की स्थिति नहीं चाहती है, उसकी जो चारों सीटें हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस करके जो है यहां पर हम देख कि प्रत्याशियों को उतारा गया है चुनावी मैदान में, और यहां पर अलग अलग समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। दक्षिण भारत को सारने के लिए एल मुरुगन, जो कि इस समय भी मध्य प्रदेश के कोटे से ही राज्यसभा सांसद है, उन्हें वापस से राज्यसभा मध्य प्रदेश के कोटे से। नीलम, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे साथ अतुल भी जुड़ गए हैं, अतुल विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। अतुल, अब बीजेपी की तरफ से तो नामांकन उम्मीदवारों ने भर दिया है नामांकन पर्चा, लेकिन अब उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का? देखिए बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की जो प्रत्याशी अशोक सिंह वो विधानसभा पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पहले पंथी के जो नेता हैं, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखिए स्थिति मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं और चुनाव का गणित अगर हम देखें तो चारों और पाँचों जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बीजेपी ने सिर्फ चार ही उम्मीदवार अपने उतारे है, और अगर वोटों का अगर हम आकलन देखें तो वो चारों प्रत्याशी निर्विरोध जीतेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी यही स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी है केवल एक उतारा है और ऐसे में वो भी निर्विरोध जीते गए। हालांकि इसका परिणाम 20 तारीख यानी जिस दिन नामांकन वापस करने का जब जिस दिन रहेगा उस दिन ये परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को मतदान होना है और मतदान की स्थिति खासकर मध्यप्रदेश में तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और तमाम जो चीजें हैं वो निर्विरोध तरीके ही जो है चुनाव संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर तस्वीर नजर आ रही है, हालांकि वोटिंग होगी 27 तारीख को और उसके बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन तस्वीर ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर है। सवाल ये है कि यहां से अब पार्टीज आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लेकर जा रही है, क्योंकि अतुल मुझे बहुत अच्छे से याद है जब लास्ट टाइम राज्यसभा का इलेक्शन एमपी में हुआ था उस वक्त काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी, क्योंकि उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन थे और उस मौके पर हमें कुछ क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली थी, राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। क्या अब यहां से पार्टीज क्या आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव को लेकर जा रही हैं? देखिए दोनों ही राजनीतिक दल जो मध्य प्रदेश के मुख्य दल हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों ही दल की ये मकसद था कि जातिगत समीकरण के साथ सोशल इंजीनियरिंग जरूर हमें इसके अंदर तालमेल बिठाते हुए दिखाई दें, और हुआ भी यही। देखिए बीजेपी के हम प्रत्याशियों को देख रहे हैं, महिलाओं को नेतृत्व करती हैं, एक तो कहीं ना एक सनातन धर्म का नेतृत्व करते हैं तो एक कहीं ना कहीं जाट का नेतृत्व करते हैं, और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और सीधे तौर से वो पृष्ठभूमि है जो समाज से जुड़ी हुई है। वहीं अगर हम देखें कांग्रेस की बात करें तो अशोक सिंह है, यादव समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश में हम देखें तो ओबीसी वर्ग का दबदबा है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सबसे ज्यादा जो वोटर्स मध्य प्रदेश के अंदर हैं ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले ये संतुलन बिठाने की कोशिश करी है। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें, देखिए अशोक सिंह ग्वालियर चंबल अंचल से भी आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जब कांग्रेस को ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की कमी खलती है, ऐसे में एक नया चेहरा कौन होगा, कांग्रेस के सामने ये चुनौती भी थी और ये मंथन का दौर भी था। डॉक्टर गोविंद सिंह का अगर हम अगर चुनाव परिणाम कभी पक्ष में रहे नहीं है, अतुल अशोक सिंह के पक्ष में चुनाव परिणाम कभी रहे नहीं है, चार बार लोकसभा का चुनाव लड़े, चारों बार हार का सामना करना पड़ा, फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए राज्यसभा भेजा है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अशोक सिंह अब राज्यसभा करीब करीब तय है, जिस तरीके से अतुल बता रहे चुनावी गणित तो ये वोटों का गणित तो यही बता रहा है, लेकिन अब अशोक सिंह को भेजकर राज्यसभा में क्या भूमिका निभाने का प्रयास है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।